नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, कैंट्री धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैंट्री धाम में चलाया स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर पहुंचे हैं। तो कैंट्री धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता अभियान चलाया। कैंट्री धाम में वो साफ सफाई को लेकर के अभियान की शुरुआत करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने खुद भी कैंट्री धाम में परिसर की साफ सफाई की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नैनीताल की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंट्री धाम पहुंचे। तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट्री धाम में स्वच्छता अभियान चलाया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर। उत्तराखंड में नगर निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी निकायों को अब प्रशासकों की ओर से संचालित किया जा रहा है। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण के कार्य पूरा कर 6 महीने के अंदर निकाय चुनाव संपन्न कराना धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बात को लेकर देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्वाभाविक रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए आरक्षण, मतदाता सूची और सीमांकन के सारे विषयों पर काम करना होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो चुनाव कराने का विषय है उसमें स्वाभाविक रूप से हमारे जो पहले की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी होगी। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है, या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, जैसे ही हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पर हम लोग लगे हैं, जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव 6 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इनके हम चुनाव संपन्न नहीं करा सकते। बीजेपी के दीवार लेखन अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जरिए राज्य को नमो ऐप पर महत्वपूर्ण अवसर प्रदान हुआ। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि 5 जनवरी से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो दीवार लेखन का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था उसको राज्य में उत्तरकाशी के चिनियाली सौर से आगाज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया था, क्योंकि महेंद्र भट्ट ने सबसे पहले दीवार लेखन किया और उसे नमो ऐप पर अपलोड किया। यही वजह है कि उनके इस चित्र को नमो ऐप पर दीवार लेखन के लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ प्रयोग किया गया। नमो ऐप पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम और सरकार के जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर के और आम जनता के सुझाव को प्राप्त किए जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की वीडियो और फोटोज़ को अपलोड की जाती है। और देश भर में इस समय भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो दीवार लेखन का जो कार्यक्रम चल रहा है उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा सीमांत जनपद उत्तरकाशी के चिनाली सौर से इस कार्यक्रम दीवार लेखन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा नमो ऐप पर सबसे पहले इसको अपलोड किया गया और नमो ऐप के द्वारा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी की फोटो को उसके लोगों पर लगाया गया है, जो कि हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना कुनबा बढ़ाने के लिए 15 जनवरी से बीजेपी अभियान चला रही है और अन्य दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मिलित करने का काम किया जा रहा है, जिसके संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी पार्टी में जो लोग आस्था और हमारी विचारधारा के साथ आना चाहते हैं उनको पार्टी में सम्मिलित कराने का अभियान 15 तारीख से चलाया जाएगा। देखिए, मैंने कल इस विषय को स्पष्ट किया है, न्यायालय द्वारा सजा याप्ता व्यक्ति भाजपा का सदस्य नहीं बन सकता, और इस ये एक प्रकार से क्रिमिनल पृष्ठभूमि से हम लोग उसको मानते हैं। और अभी तक जितने भी नाम आए हैं
उसके लिए हमारे लिए कमेटी बनी, कमेटी में हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद संस्था लेते हैं और 15 तारीख से हम इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से 15 से लेकर 30 तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलेगा। मुझे लगता है 15 तारीख को प्रदेश कार्यालय में बड़ा कार्यक्रम लोग करेंगे। बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने धामी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोप सिद्ध न होने पर हाईकोर्ट ने रजनी भंडारी को क्लीन चिट दी थी, लेकिन भाजपा को रजनी भंडारी के विकास कार्य चुभ रहे हैं, जिसे देखते हुए वो लोकतंत्र का गला घोट के सत्ता का दुरुपयोग करने पर उतारू हैं। बहुत ही दुखद है, सरकार को डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, प्रजातंत्र ने गला घोटना काम कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष को पहले हटाया, हाईकोर्ट ने उनको स्टे दिया कि नहीं ये गलत है, ये आरोप सिद्ध नहीं हो रहे, उसको उनको क्लीन चिट दी। उसके बाद फिर बीजेपी ढूंढती रही उनकी, यही चुभता रहा कि क्यों काम कर रही है। वो स्ट्रांग है, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भंडारी जी मंत्री रहे, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो उनकी पत्नी वो विकास से काम कर, वो उनको चुभ रहा है। अब आप डेमोक्रेसी का, संविधान का गला घोट के इस सत्ता का दुरुपयोग करने पर बीजेपी उतारू है और उनको गलत तरीके से फिर हटा दिया गया है, ये बहुत चिंता का विषय। उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से अपील करेंगे कि अन्याय मत करो, प्रजातंत्र का गला मत घोटो, संविधान का गला मत घोटो। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई थी। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अपना विरोध जताते हुए पुतला फूका, तो वहीं इस पर बीजेपी की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस अब चरित्र हनन की राजनीति पर उतर आई है। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को अपनी हार का एहसास हो चुका है, जिसके बाद वो ओछी राजनीति कर रही है। इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये कहीं ना कहीं से जिन्होंने राम पे प्रश्न चिन्ह उठाए थे, आज इनका क्या हाल हो रखा है आपने देखा है। अब ये जो आरोप लगा के उनका पुतला जलाने का इन्होंने काम किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। अगर आपके पास कोई तथ्य है तो उसकी SIT जांच हो रही है, आप उसके सामने उस तथ्य को रखते। आपके पास कोई अगर सबूत है तो आप उसको माननीय न्यायालय के आगे रखते, लेकिन इस प्रकार से ओछी राजनीति करना, मैं इसकी निंदा करता हूं कि एक ऐसे प्रकरण में जो हमारी बच्ची जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, जिसके साथ सरकार ने पूरी संवेदना के साथ उसके साथ खड़ी रही, अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं, उनके परिवार ने जब उसकी जांच बदलने की मांग की तब उसकी तब जांच बदली गई और आज SIT उसकी जांच कर रही है। और कोई विषय है तो आप उनके सामने रखिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन एक प्रचारक के ऊपर जिन्होंने अपना जीवन घर परिवार छोड़ के इस समाज के लिए, संगठन के लिए अपना समय दे रखा है, ऐसे पुरुष पर, ऐसे देव पुरुष पर आरोप लगाना निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। तो हरिद्वार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग भारी संख्या में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य हमें मिला हुआ। मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया हुआ था माँ गंगा के चरणों में, यहाँ पे जो एक बात होती है, आज भी इस बार भी मैं यहाँ पे माँ गंगा के चरणों में आया हूँ। गंगा मैया की सब पे कृपा रहे, हम पे भी रहे और पूरे देश पे कृपा रहे, और राम मंदिर का जो है मुहूर्त होने जा रहा है, हम चाहते हैं आप भी जाएं, हम भी जाएं, मोदी जी भी जा रहे हैं, यहाँ की सारी जनता जाए, जय श्री राम। गंगा मैया में आकर स्नान करने से सब मनोकामना पूरी होती है, तो हम पहली बार आए हैं, जहाँ आके देखा बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत मजा आया, हमने सबने एंजॉय किया बहुत ज्यादा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरी हमारे साथ जुड़े। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ लोग भारी संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, प्रशासन की किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? बिल्कुल चाहते हैं, अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति का स्नान काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि सुबह तड़के के 4 बजे से जो श्रद्धालु दूर दूर से माँ गंगा नगरी हरिद्वार पहुंचते, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की पवित्र यहाँ पर जो है डुबकी लगाते हैं, तो ऐसे में जो है
लगातार जो श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही तड़क के यहाँ पर गंगा स्नान करे। हालांकि अगर मैं ठंड की बात करूँ तो हरिद्वार में ठंड काफी लगभग पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर देखी जा रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आस्था है वो लोगों के प्रति, लोगों के मन में यहाँ पर श्रद्धालु के मन में देखी जा रही है। चूंकि जिस तरह से माँ गंगा का मैं जो श्रद्धा स्नान करने पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी आस्था यहाँ पर जो स्थापितों को देखने को यहाँ पर बनती है। तो इसलिए अगर हम बात करें तो आज मकर संक्रांति का आज का दिन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कहीं ना कहीं कमान संभाला हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर 7 जोन और 17 सेक्टरों में यहाँ पर बांटा गया, हर एक जोन पर जो है पुलिस अधिकारी, हर सेक्टर पर जो है कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मुस्तैद किए गए ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। अगर हम बात करें तो कैमरे से यहाँ पर निगरानी जागृति रखी जा रही है, जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन की हम बात करते हैं, ड्रोन से भी पूरी सुरक्षा का जांच यहाँ पर ले जा रहा है। कहने के SSP हरिद्वार वो भी लगातार जो है जमीन स्तर से मौका मौना कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी जो समस्या श्रद्धालु को ना हो। और कहीं ना कहीं बॉर्डर की हम बात करें तो बॉर्डर पर जो चप्पे चप्पे पुलिस बल यहाँ पर जो पर्याप्त मात्रा में लगाएगा, हर एक कंपनी चाहे घोड़ा पुलिस हो या फिर बम दस्तक निरोधक जो है टीम हो वो भी यहाँ पर लगाइए ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। और लगातार जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जो है पूरी तरह से चेकिंग अभियान वहां पर चला जा रहा है ताकि श्रद्धालु सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर जो है माँ गंगा में स्नान कर सके और किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। जागृति बिल्कुल विकास। और देखिए आज इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ऐसे में लोगों में भी खासा उत्साह देखने के लिए जरूर मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए मंदिर प्रशासन की तो किस तरीके से इस पूरे विषय पर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में किसी भी तरह की भगदड़ ना हो या डुबकी लगाते वक्त किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, मंदिर प्रशासन इसको लेकर किस तरीके से व्यवस्था बनाए। हाँ बिल्कुल, अगर तक हम गंगा सभा की बात करें तो गंगा सभा की टीम भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो जमीन स्तर पर यहाँ पर जो है लगा गई है ताकि जो भी श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान करे ताकि किसी का पैर ना फसले, जो है जो जल पुलिस से वो यहाँ पर हर एक गंगा घाट पर लगा गई है ताकि किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को जो गंगा स्नान करने में माँ गंगा की आस्था की डुबकी लगाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर भी जो गंगा सभा के जो पूरी टीम है वो भी जमीन स्तर यहाँ पर लगा गई है। तो ऐसे में जो आस्था आज के दिन काफी बड़ी जागृति मानी जाती है, क्योंकि जो भी आज के दिन माँ गंगा में स्नान करता है, माँ गंगा का दान करता है, तो कहने के माँ गंगा उन सभी की मनोकामना यहाँ पर पूरी करती है। और यही वजह है कि दूर दूर से जो श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, अन्य राज्यों में श्रद्धालु वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, तो जागृति लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहने के जो संख्या है कई लाखों की संख्या तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो आस्था आज के दिन काफी बड़ी भी हो जाती है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जागरण की सुबह तड़के के 3 से 3 बजे से जो यहाँ पर माँ गंगा में स्नान शुरू हो गया था। कहने के माँ गंगा आस्था की डुबकी लगाना पर सुबह, तो ऐसे में जो है आस्था काफी बड़ी भी है चुकी, क्योंकि जब श्रद्धालु से हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि माँ गंगा की पवित्र माँ गंगा की आस्था के सामने ना तो ठंड कुछ कर सकती है, और कहने के जिस तरह से माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है डुबकी लगाने पर, तो उसको लेकर जो काफी भाव पर काफी खुश यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां लोग भारी संख्या में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो आज सुबह 3 बजे से ही लोग गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बाईस जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, तो वही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नेता हरीश रावत ने भी यही कहा है कि वो श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे जरूर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस आयोजन को चुनावी आयोजन बनाना चाहती है, इसलिए कोई भी दल का नेता या श्री राम भक्त इस कार्यक्रम में क्यों शामिल होगा। देखिए सब लोग अपनी सुविधा और भगवान की आज्ञा से जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो भी तीर्थ स्थान को जाते हैं, ये हमारी सनातन परंपरा है और हम बिल्कुल जाएंगे। राम हमारे लिए आस्था है, राम हमारे लिए विश्वास है, राम हमारे लिए सब कुछ है, हम जरूर जाएंगे। और मगर
जब आदेश होगा तब जाएंगे। बाईस जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। तो वहीं अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के सभी मंदिरों में बीजेपी स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी 22 तारीख को करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री भी एक दिन मंदिर में रहेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर निश्चित किए गए हैं। उत्तराखंड के अंदर हर गांव में एक मंदिर है, वो मंदिर स्वच्छ हो, वहाँ स्वच्छता रहे और भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी हम 22 तारीख को वहाँ करने वाले हैं। उस दिन से हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी भी एक मंदिर में रहेंगे और उससे नीचे के सब कार्यकर्ताओं के हमने एक एक मंदिर निश्चित किया। हमारे किरेन चौधरी जी इस जो हमारे महामंत्र कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोशिश मेरी है कि 22 तारीख को जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में मेरा रहना होगा, ऐसे सब मंदिरों की जानकारी आप तक आ जाएगी। वो उसमें भी हर कार्यकर्ता के लिए और कार्यक्रम के समय बनाई हर मंदिर के लिए हम तय करेंगे और उस दिन भव्यतम राम कीर्तन के कार्यक्रम होंगे, ये कार्यक्रम हमने इस रूप में रखा है। और निश्चित रूप से क्योंकि हर मंदिर समिति और ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग हम लोग लेने वाले हैं। आगामी 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तराखंड में सभी जिलों में इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके लिए संस्कृति विभाग हर जनपद में कार्यक्रम करने जा रही है। साहित्य और संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि आज से आगामी 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान व रामकथा समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे भारतवर्ष की संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की तो बिल्कुल अलग ही अनूठी संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुरूप जगह जगह जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रभु श्री राम की भक्ति में जो है भजन की संध्याएं की जाएंगी। तो इस प्रकार से हम जो है 14 तारीख से हमारा जो है उत्तरायणी के महापर्व से शुरू होते ही 22 तारीख तक अनेकों कार्यक्रम चलेंगे, भक्तिभाव वाले कार्यक्रम चलेंगे। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में धूमधाम के साथ उत्तरायणी महोत्सव मनाया गया। समारोह में उत्तराखंड के कई उत्पादों के स्टॉल लगे, इसके साथ ही कई पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल ने भी सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया। आपको बता दें कि उत्तरायणी का त्योहार उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे उत्तराखंड के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसे घुघुतिया त्योहार भी कहते हैं। उधम सिंह नगर एक मिनी इंडिया है कौमी गुलदस्ता का, और यहाँ इतने भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम। ये एक जो हमारी जिसे कहते हैं उत्तरायणी पर्व है, उसको लेके जिस उत्साह के साथ हजारों हजार लोग इस आयोजन में सहभागिता कर रहे हैं, मैं सभी क्षेत्रवासियों को उत्तरायणी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तरायणी पर्व, लोहड़ी, मकर संक्रांति सबके लिए मंगलमय हो और ऐसे ही हम मिलजुल के इस पर्व को मनाते रहे। मेरी तरफ से सहल सांस्कृतिक परिषद और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुद्रपुर में कुमाऊं की फॉरेंसिक लैब के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने शिरकत की, जिनका फॉरेंसिक लैब के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर दयाल शरण ने बुके देकर स्वागत किया। और इस दौरान विधायक ने कहा कि आने वाले समय में फॉरेंसिक लैब को और हाईटेक किया जाएगा। आज हमारी उत्तराखंड की एकमात्र जो फॉरेंसिक लैब है उसका फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है, और डॉक्टर दयाल शरण जी की पूरी टीम उस फॉरेंसिक लैब के स्थापना दिवस को बड़े उत्साह से मना रही है। फॉरेंसिक का महत्व वर्तमान में बहुत अधिक बढ़ गया है, जो हमारे गृह मंत्री के द्वारा जो अभी नए कानून लाए गए हैं उसमें 7 वर्ष से ऊपर की जितने भी अपराध होंगे
उनमें फॉरेंसिक मैंडेटरी हो गया है, हम देखने में आ रहा है। अधिकांश अपराधियों को सजा दिलवाने में फॉरेंसिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, और विशेषकर आने वाले समय में साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, डेटा क्राइम जो है, इन सब में फॉरेंसिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। उत्तराखंड में भू कानून की मांग लगातार तेज हो रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने भू कानून को उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही अहम बताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि भू कानून की मांग को लेकर 28 जनवरी को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू कानून और मूल निवास की सख्त आवश्यकता है। हर व्यक्ति की जमीन खरीदने से रोक लगाने से भू कानून यहाँ पर नहीं लागू होगा। देखिए, हमारा जब तक भूमि का सही तरीके से नियोजन नहीं होगा उत्तराखंड में, हमारे लोगों का जितने जो आज देखिए पूरे पहाड़ में जो खेती करते थे, किसानी खेती करते थे, उन लोगों का जो है किसानी खेती बंद हो गया। अब जब हमारे पास किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए जब जगह ही नहीं बचेगी, जब हम कर ही नहीं पाएंगे, तो उस चीज का कोई उद्देश्य नहीं है। आज बाहरी लोगों को आप, ये तो केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मूल निवास की बातें तो सरकार से एक आग्रह कर रहे हैं, यहाँ की जनता आग्रह कर रही है कि 1950 वाला मूल निवास को लागू किया जाए, और ये किसी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो मूल अस्तित्व की उसकी लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक भू कानून की बात है, तो हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लाया जाए। जैसे 1972 में जब राज्य गठन की बात, हिमाचल में वहाँ का खुद का भूमि कानून था, तो यहाँ का कोई भूमि कानून तो है नहीं। उत्तर प्रदेश का भूमि कानून यहाँ चलता है, उसी में संशोधन होते रहे। यदि हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच ऐसी है कि हमें निकालना है निचोड़, और निचोड़ को मैं सॉल्यूशन से देखता हूँ, यदि हमने ये सोचा है कि हमें सॉल्यूशन, हल निकालना है, समस्या और समाधान दो ही बातें हैं। समस्या सबको पता है, जल, जंगल, जमीन, जीवन, सब कुछ सबको पता है, ऐसा मैंने कहा भी, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? नीति बनाने वालों के पास ही सॉल्यूशन है। नीति बनाने वालों को हमने लोकतांत्रिक अधिकार दिया है। देहरादून में आरटीओ ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में यातायात को संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों की भी जानकारी दी। 23 दिसंबर 2023 को आरटीओ की बैठक हुई, जिसके अंदर दो मुख्य मुद्दों पर आरटीओ के मेंबर्स ने डिस्कशन किया। सबसे पहला तो देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े शहरों में जो ट्रैफिक कॉन्जेशन है, उसको दूर करने के लिए। दूसरा, बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए, जिसके अंतर्गत सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया कि जो भी देहरादून शहर के अंदर हमने एक नो कंजेशन जोन डिक्लेयर किया है, जैसे कि घंटाघर से बिंदालपुर, घंटाघर से दिलाराम चौक, या घंटाघर से सर्वे चौक, इस जोन के अंदर जितने भी सार्वजनिक वाहन संचालित होंगे, वो उनको GPS से सुसज्जित होना आवश्यक होगा, जिससे कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन पर नज़र रखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक को संयमित किया जा सके। शहर में संचालित सिटी बसें यात्री सुविधाओं पर कितना खरा उतर रही हैं, इसकी सच्चाई जानने के लिए देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी यात्री बनकर सिटी बस में सवारी करने लगे। चालक और परिचालक को जब इस बात की भनक लगी तो उनके हाथ पैर फूल गए। इस दौरान बस में महिला सीट पर पुरुष को बैठा देख आरटीओ अधिकारी ने परिचालक को फटकार भी लगाई। हमारी तो परिवहन विभाग में हमेशा कोशिश होती है कि हम लोग ग्राउंड रियलिटी को जाने और उसके अनुसार अपने नियम को बनाएं और उसको लागू करें। इसी रेफरेंस में मैं कई बार ऑटो में भी गया था, अभी सिटी बस में यात्रा मैंने की थी, और कई सिटी बसों में ऐसे भी मैं चेक करने के लिए भी गया वहाँ। तो हमारा जानना था कि क्या मामला क्या है, लोगों का रिस्पांस कैसा है, क्या समस्याएं वहाँ हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो सिटी बस मैंने देखा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, लोगों से बात भी पूछी, तो दो तीन चीज़ मैंने देखा कि कई सिटी बसों में टिकट नहीं देने की बात आ रही थी, या ड्राइवर कंडक्टर वर्दी में नहीं है, कई जगह गंदगी भी दिखाई दी है। तो हमने बोला है कि आप इसमें डस्टबिन रखें, डस्टबिन रखना सिटी बस में अनिवार्य है। और इसके बाद हम एक उनकी बैठक भी ले रहे हैं सिटी बस वालों की, जो जो कमियाँ आई हैं उसके बारे में उनको बताया जाएगा और उनको एक निर्देशित किया जाएगा कि चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।